क्रिकेट में ऐसे कुछ महान खिलाड़ी हुए हैं जो पार्ट टाइम बॉलर होते हुए भी मेन बॉलरों से अधिक विकेट लिए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी जो गेंदबाज रहे हैं उनसे भी अधिक विकेट लिए हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि जयसूर्या जो श्रीलंका के महान ओपनर हुआ करते थे, उन्होंने वनडे में शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान स्पिनर माने जाते हैं उनसे अधिक वनडे में विकेट लिए हैं। आइए जानते हैं ऐसे फैक्ट को। नमस्कार, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं खेल नीति। तो आइए जानते हैं जो महान बल्लेबाज हुए जब पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे तो मेन बॉलरों से सबसे ज्यादा विकेट कब और कैसे लिए हैं। तो पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर आते हैं। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 201 विकेट लिए हैं, जिनमें उन्होंने 200 टेस्ट में 46 विकेट और 463 वनडे मैचों में 154 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एकमात्र T20 मैच खेला और उसमें एक विकेट भी हासिल किया। इसके बाद नंबर आता है शोएब मलिक का, जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 218 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 35 टेस्ट मैचों में 32 विकेट जबकि 287 वनडे में 158 विकेट हासिल किए हैं। 115 T20 मैचों में 28 विकेट हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सौरभ गांगुली। उन्होंने भारत की तरफ से 113 टेस्ट और 111 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 132 विकेट लिए। हालांकि अपने अंतिम दौर में गांगुली गेंदबाजी नहीं करते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने 132 विकेट लिए। चौथे नंबर पर आते हैं श्रीलंका के महान ओपनर बल्लेबाज जयसूर्या। वे जितने अच्छे ओपनर बल्लेबाज थे उतने अच्छे पार्ट टाइम बॉलर भी थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो महान स्पिनर रहे शेन वॉर्न से भी अधिक विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 293 विकेट प्राप्त किए। जयसूर्या के वनडे में 323 विकेट हैं। जयसूर्या अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 110 टेस्ट मैचों में 24 विकेट जबकि 445 वनडे मैचों में 323 विकेट और 31 T20 मैचों में 19 विकेट हासिल किए हैं। यानी कुल मिलाकर उन्होंने अपने करियर में 366 विकेट हासिल किए हैं। और पांचवें नंबर पर आते हैं एंड्रू साइमंड, जो कभी कभी गेंदबाजी मीडियम पेसर भी करते थे और बाद में वो स्पिन गेंदबाजी करने लगे। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 245 विकेट हासिल किए और अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 26 टेस्ट मैचों में 24 विकेट जबकि 198 वनडे मैचों में 133 विकेट हासिल किए और साथ ही साथ 14 T20 मैचों में 8 विकेट हासिल किए। तो ये रहे कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बैटिंग के साथ साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी करते थे और उसमें भी काफ़ी सफल रहे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। क्रिकेट में ऐसे कुछ महान खिलाड़ी हुए हैं जो पार्ट टाइम बॉलर होते हुए भी मेन बॉलरों से अधिक विकेट लिए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी जो गेंदबाज रहे हैं उनसे भी अधिक विकेट लिए हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि जयसूर्या जो श्रीलंका के महान ओपनर हुआ करते थे, उन्होंने वनडे में शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान स्पिनर माने जाते हैं उनसे अधिक वनडे में विकेट लिए हैं। आइए जानते हैं ऐसे फैक्ट को। नमस्कार, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं खेल नीति। तो आइए जानते हैं जो महान बल्लेबाज हुए जब पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे तो मेन बॉलरों से सबसे ज्यादा विकेट कब और कैसे लिए हैं। तो पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर आते हैं। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 201 विकेट लिए हैं, जिनमें उन्होंने 200 टेस्ट में 46 विकेट और 463 वनडे मैचों में 154 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एकमात्र T20 मैच खेला और उसमें एक विकेट भी हासिल किया। इसके बाद नंबर आता है शोएब मलिक का, जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 218 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 35 टेस्ट मैचों में 32 विकेट जबकि 287 वनडे में 158 विकेट हासिल किए हैं। 115 T20 मैचों में 28 विकेट हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सौरभ गांगुली। उन्होंने भारत की तरफ से 113 टेस्ट और 111 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने कुल 132 विकेट लिए। हालांकि अपने अंतिम दौर में गांगुली गेंदबाजी नहीं करते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने 132 विकेट लिए। चौथे नंबर पर आते हैं श्रीलंका के महान ओपनर बल्लेबाज जयसूर्या। वे जितने अच्छे ओपनर बल्लेबाज थे उतने अच्छे पार्ट टाइम बॉलर भी थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो महान स्पिनर रहे शेन वॉर्न से भी अधिक विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 293 विकेट प्राप्त किए। जयसूर्या के वनडे में 323 विकेट हैं। जयसूर्या अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 110 टेस्ट मैचों में 24 विकेट जबकि 445 वनडे मैचों में 323 विकेट और 31 T20 मैचों में 19 विकेट हासिल किए हैं। यानी कुल मिलाकर उन्होंने अपने करियर में 366 विकेट हासिल किए हैं। और पांचवें नंबर पर आते हैं एंड्रू साइमंड, जो कभी कभी गेंदबाजी मीडियम पेसर भी करते थे और बाद में वो स्पिन गेंदबाजी करने लगे। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 245 विकेट हासिल किए
और अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 26 टेस्ट मैचों में 24 विकेट जबकि 198 वनडे मैचों में 133 विकेट हासिल किए और साथ ही साथ 14 T20 मैचों में 8 विकेट हासिल किए। तो ये रहे कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बैटिंग के साथ साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी करते थे और उसमें भी काफ़ी सफल रहे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।